गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। माई सेल्फ केशव शर्मा और हिंदी टीचर फ्रॉम डैफोडिल्स स्कूल। तो उम्मीद रखता हूँ सभी बच्चे वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे। जो बच्चे अभी तक वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अब तक के जितने भी वीडियो लेक्चर देखे उनका सभी बच्चे होमवर्क करके अपने जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनको शेयर ज़रूर करें। तो अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम क्लास फोर्थ के लिए चैप्टर नंबर 4 अलादीन का चिराग आज आपको रीड करवाएंगे। तो सभी क्लास फोर्थ के बच्चे अपनी बुक उठाएं और पेज नंबर 27 पे आपका चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है अलादीन का चिराग। तो सभी बच्चे अपनी बुक से चैप्टर नंबर 4 खोल लें जो कि पेज नंबर 27 पे है, ठीक है। 27 नंबर पेज खोल लें और अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो प्राचीन समय में एक गाँव में एक स्त्री अपने पुत्र के साथ रहती थी। तो प्राचीन का अर्थ होता है पुराने, मतलब कि जो प्राचीन का अर्थ होता है बहुत पहले, ठीक है। यहाँ पे बहुत पहले से होगा, तो बहुत पहले समय एक गांव में एक स्त्री अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसके पुत्र का नाम अलादीन था, अलादीन, ठीक है। वे बहुत ही निर्धन थे, मतलब वे बहुत ही गरीब थे। निर्धन का अर्थ होता है गरीब। उसके जीवन का निर्वाह बड़ी कठिनाई से होता था। तो निर्वाह का अर्थ होता है कि बहन करना। तो उसके उसका जीवन का निर्वाह बड़ी कठिनाई से होता था। उसके पास मतलब वह बहुत ही गरीब थे, ठीक है। किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। कुछ दिन ऐसे भी आते थे उनके सामने, तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। एक दिन अलादीन काम की तलाश में दिन भर इधर उधर घूमता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। तो एक दिन क्या हुआ कि अलादीन किसी काम की खोज के लिए घर से निकला, तो उसे काम की तलाश करने निकला था, लेकिन उसे काम नहीं मिला। शाम को वह थका हारा घर पहुंचा, तो उसकी माँ ने बताया कि घर में चावल दाल थोड़े ही बचे हैं। इस पर उनकी चिंता और भी बढ़ गई कि यदि कहीं काम ना मिला तो घर का गुजारा किस प्रकार होगा। तो जब वह थका हारा शाम को घर पहुंचा, तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा, आज दाल और चावल भी बहुत कम बचे हैं। तो इस पर दोनों की चिंता और बढ़ गई, ठीक है। और फिर वो सोचने लगी कि यदि कहीं काम ना मिला तो घर का गुजारा किस प्रकार होगा। इसी बीच किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे और चिंता में ग्रस्त थे, मतलब कि चिंता कर रहे थे कि भाई घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो इसी बीच में किसी ने आके दरवाज़ा खटखटाया। तो उन्होंने खटखटाहट सुनी और चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि ना हो। तो उन्होंने सोचा कि कोई अतिथि मतलब कोई मेहमान ना हो, ठीक है। तो उन्होंने खटखटाहट सुनी और चौंक पड़े, मतलब कि वो मतलब सोचने लगे कि कोई मेहमान ना आ गया हो। तो अलादीन ने दरवाज़ा खोला, सामने एक वृद्ध को खड़े हुए देखा। जब अलादीन ने दरवाज़ा खोला, तो उसने जो दरवाजे के आगे किसको देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? तो वृद्ध ने पूछा कि मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है क्या? तो अलादीन ने उत्तर दिया, जी हाँ यही है, आप कौन? तो अलादीन ने उसको बोला कि हाँ यही है, आप कौन है? वृद्ध बोला, मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ, कई वर्ष पहले विदेश चला गया था, अभी लौटा हूँ। तो वह बहुत पहले विदेश चला गया और अभी लौटा हूँ, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो उसने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अलादीन की माँ के नज़दीक आकर कहा, उनकी अलादीन की माँ ने नज़दीक आकर कहा, मतलब पास में आकर बोली कि उनकी मृत्यु हुई तो कई वर्ष हो चुके हैं, अब बस यही एक बेटा है और घर की हालत भी बहुत ख़राब है। तो उन्होंने बोला कि उनकी मृत्यु तो काफ़ी वर्ष पहले हो चुकी है, अब एक बेटा है और हमारे घर की हालत भी बहुत ख़राब है। वृद्ध ने कहा, बेटा अब कोई चिंता की बात नहीं है, यह लो पैसे और बाज़ार जाकर कुछ खाने का सामान ले आओ। तो वृद्ध ने कुछ मतलब बच्चे को जो अलादीन था उसे रुपए देकर कहा कि जाओ बेटा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, जाके तुम बाज़ार से कुछ खाने को लेकर आओ, खाने का सामान ले आओ। सभी बच्चे आगे अगला पेज खोले, पेज नंबर 28 खोल लें और ध्यान दें,
ठीक है। तो आगे बोलते हैं, देखते हैं कि रात्रि होने पर वृद्ध ने कहा, मैं बहुत सारा धन कमा कर लाया हूँ, आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो वृद्ध व्यक्ति बोला कि मैं बहुत सारा धन कमा कर लाया हूँ और आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, कल सुबह मैं अलादीन को अपने साथ काम पर ले जाऊँगा। तो वह वृद्ध व्यक्ति बोला कि मैं बहुत सारा धन कमा कर लाया हूँ और आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और कल सुबह मैं अलादीन को अपने साथ काम पर ले जाऊँगा, हम सायंकाल से पूर्व ही लौट आएंगे। तो वृद्ध व्यक्ति बोला कि हम शाम को जल्दी ही लौट आएंगे। वह व्यक्ति वास्तव में मुस्तफ़ा दर्जी का भाई नहीं था बल्कि एक जादूगर था। तो वह व्यक्ति कोई मतलब उसका भाई नहीं था मुस्तफ़ा दर्जी का, वह कोई जादूगर था। प्रातःकाल होने पर वह अलादीन को लेकर एक जंगल में पहुंच गया। वहां एक गुफा थी जिसका मुंह एक बड़े भारी पत्थर से बंद था। तो जो वह जादूगर था तो वह अलादीन को लेकर मतलब प्रातःकाल जल्दी ही अलादीन को लेकर वह जंगल में पहुंच गया। वहां एक गुफा थी जिसका मुंह एक बड़े पत्थर से ढका हुआ था, मतलब बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने गुफा के अंदर का रास्ता दिखाते हुए कहा, सीधे अंदर चले जाओ, वहाँ एक चिराग पड़ा होगा, उसे उठा लाओ। तो वृद्ध व्यक्ति बोला अलादीन से कि तुम गुफा के अंदर चले जाओ। रास्ता दिखाते हुए अलादीन से बोला कि तुम गुफा के अंदर चले जाओ और वहाँ पे एक चिराग पड़ा होगा, उसे उठाकर ले आओ। अलादीन गुफा के अंदर चला गया। अलादीन बिना डरे हुए गुफा के अंदर चला गया, ठीक है। गुफा के अंदर एक कोठरी थी, उसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधती गई, मतलब कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गई, मतलब उसके आगे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा, ठीक है। वह बड़ी हैरानी से इधर उधर देखने लगा। कोठरी सोने चांदी हीरे मोती इत्यादि मूल्यवान रत्नों से भरी हुई थी। जो कोठरी थी वह हीरे सोने चांदी ऐसे काफ़ी अच्छे महंगे रत्नों के द्वारा भरी हुई थी, मूल्यवान रत्नों से भरी हुई थी। अलादीन ने कुछ रत्न जेब में भर लिए और कुछ अपने हाथ में ले लिए। इतने में ही वृद्ध की आवाज़ आई, चिराग मुझे पकड़ा दो, जल्दी करो। तो वृद्ध व्यक्ति बोला कि चिराग मुझे पकड़ा दो, जल्दी करो। यह आवाज़ सुनते ही अलादीन का ध्यान चिराग की ओर गया। तो ये बात मतलब जब वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि जल्दी से चिराग मुझे पकड़ा दो, तो उस बात को सुनते ही अलादीन का ध्यान चिराग की ओर गया जो एक कोने में पड़ा था, उस पर धूल जमी हुई थी। अलादीन ने चिराग उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचकर बोला, चाचा जी मुझे ऊपर की तरफ खींचिए। तो अलादीन ने जब चिराग उठा के ले आया तो वह गुफा के द्वार पर पहुँचा तो बोला कि चाचा जी मुझे ऊपर खींचिए। तो आज हमने आपको चैप्टर 4 रीड करवाया है। उम्मीद रखता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझने में आया होगा और कोई प्रॉब्लम आती है तो संबंधित अध्यापक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।